नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के रोड़ी में और ये रोड़ी विधानसभा क्षेत्र रहा है। इनेलो का गढ़ कहा जाता है ये इलाका। यहां से चौधरी जन देवीलाल भी विधायक रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के साथ साथ। जब ये रिजर्व हुआ कालांवाली तब भी यहाँ से इनेलो के कई विधायक बने हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, आज यहाँ पर रैली होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं? सर कहाँ से आए यहाँ पर? भीमा गांव लोकल सिरसा। तो क्या लग रहा है इस इलाके में इस बार क्या क्या हो रहा है कि 24 में क्या होगा यहाँ? 24 में तो मोदी रिपीट होगा, ये तो क्लियर है, दिख ही रहा है। और इस बार ये कालियावाली हल्का जो हर बार उल्टा वोट करता है सदुलगढ़ की तरह, इस बार हम सेंटर गवर्नमेंट को मोदी को ही वोट करने वाले हैं। उल्टा वोट कैसे करता है? मतलब अगर सेंटर में सरकार किसी और की, सेंटर बीजेपी की हो तो यहाँ उल्टा होता है, जैसे पहले हुआ करता था, पर लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, पर अब ये लास्ट टाइम जैसे हुआ था वैसे उसको रिपीट करेंगे हम हर बार की तरह। बीजेपी 10 में से 10 सीटें क्लीन स्वीप करेगी। यहाँ पे कामकाज हुए इस इलाके में, क्योंकि पंजाब के साथ लगता इलाका ये। जी बहुत, आप कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाइए, सारी सड़कें डेवलप कर दी इन्होंने, हर गांव में दो दो डगियां बनाया इन्होंने। मतलब जो ड्रम लेके हम नहरों पे जाया करते थे वो ड्रम वाला काम हमारा बंद हो गया है। पानी की सप्लाई हमें 24 घंटे मिलती है, पूरे 24 25 25 दिन लगातार पानी चलता है, जितना डग्गी की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से लगातार 25 दिन अगर नहर भी नहीं आती तो भी हमारे घर पर पानी एग्जैक्ट आता रहता है। जी यानी कि एक तरह से एक हुआ है कि ये जो पंजाबी बेल्ट है ये बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के खिलाफ है। नहीं जी, हम भी देखो, हम सारे किसान हैं, ये सारे जितने भी हैं सब किसान और मजदूर हैं, हम भी आए हुए हैं। ऐसी बात है कि जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, जो भी इम्प्लीमेंट्स पे, जितने भी खेती बाड़ी के कृषि यंत्र हैं उन पर 50% सब्सिडी ने बीजेपी ने देने का काम किया है। और दूसरी बात, कोई भी फसल बर्बादी होती है जितनी भी होती है उसका हमें प्रॉपर मुआवजा पिछले 7-8 साल से मिल रहा है, हर आदमी को लाभ हो रहा है। पर थोड़ा बहुत हर एक पार्टी बाजी होती है, किसान कुछ तरफ भी हैं यहाँ भी हैं, पर कुछ खिलाफ भी हैं कुछ साथ भी हैं, तो हम इस बार बीजेपी को क्लियरली वन साइड वोट करने वाले हैं। तो कामकाज हुए इस इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। हमारे गांव में भी लगा लो आप, हमारे गांव में एक तो इन्होंने कम्युनिटी सेंटर का सिस्टम किया है, ई लाइब्रेरी का किया है, एक फिरनी हमारे 52 लाख रुपीज़ की वो मंजूर की है, एक 28 लाख रुपये का हमारी पेमेंट है वो भी इन्होंने मंजूर किया है, बहुत बहुत अच्छी तरह। तस्वीरें कि तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं रैली में, और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी है वो रैली करने जा रही है, रोड़ी क्षेत्र है ये। हमारे साथ कुछ और देश योद्धा से। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या मूड है 2024 सिरसा में? सिरसा में क्लियर है, तमर अशोक तमर जी जिता के इतों भेजेंगे तो मोदी जी ना हिस्सा पावे सरकार च। मुकाबला किसके बीच मानते हैं? मुकाबला है ही नहीं किसी नाल, जे जे पी एन एल ओ कांग्रेस उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है अभी तक। फिर भी नहीं नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया पैनगियाँ वोटा तो बीजेपी पैनगियाँ बीजेपी को। हाँ, सील का हमारा बहुत जरूरी काम है, एक हॉस्पिटल हमारा PHC से CHC होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में जिससे बहुत दिक्कत आती है आमजन को। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि 2024 में जो है मत कहाँ जाएगा? रोड़ी क्षेत्र की बात करें तो आप क्या मानते हैं कि रोड़ी में देखो जी, रोड़ी से सिरसा सीट पर मुकाबला कड़ा है जी। क्योंकि इसमें ये एक तरफा नहीं कह सकते कि किस तरफ जा रहा है, बाकी जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी आता है फिर पता चलेगा जी आगे क्या होगा।